अभिमन्यु घबराते हुए धीरे से बड़बड़ाता है, अब तो हम गए डायना, तुम्हारी एक गलती देखना अब सब कुछ बिगाड़ देगी। डायना अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा अभी, मुझ पर भरोसा रखो, पर अब बस वही करना जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो हमें हमारे दोस्त वापस मिल जाएंगे। जिन झाड़ियों के पास थोड़ी देर पहले डायना ने लकड़ी फेंकी थी, कायर और कछुआ उस तरफ चले जाते हैं। कायर फिर बोल पड़ता है, कौन है, कौन है यहाँ? कायर और कछुआ उन झाड़ियों में छानबीन करने लग जाते हैं। वो दोनों झाड़ियों के आसपास घूमते हुए झाड़ियों में गौर से देखे जा रहे थे। रोशनी कम होने के कारण उन्हें वहां पर देखने में काफी मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो वहां पर छानबीन करने में लगे हुए थे। जहां कायर और कछुआ झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहे थे, तो बाकी मुर्दों की सेना अभी भी आसमान में दिख रहे सुनहरे चक्र की तरफ ही देखे जा रही थी, जैसे वो काले साये के वापस आने का इंतजार कर रहे हो। जब डायना देखती है कि कायर और कछुआ की पीठ उसकी तरफ है, तो वो तुरंत एक पत्थर उठाती है और कायर और कछुए के थोड़ी ही दूरी पर जो एक छोटी सी चट्टान दिखाई दे रही थी, उस पत्थर को उस चट्टान पर दे मारती है। पत्थर की चट्टान से टकराने की आवाज सुनकर कछुआ हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, कायर, उस तरफ से आवाज आई, लगता है वहां पर कोई है। कछुआ तुरंत उस चट्टान की तरफ जाने लग जाता है और साथ ही कायर भी उसके पीछे जाने लग जाता है। अभी वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे ही थे कि तभी डायना एक और पत्थर उठाती है और उसको कछुए के पीछे जो पेड़ था उस पर फेंक देती है। उस आवाज को सुनकर कछुआ तुरंत उस पेड़ की तरफ जाने लग जाता है। कायर कछुए के पीछे जाने ही वाला था कि तभी कछुआ उसे रोक देता है और चट्टान के आसपास ही छानबीन करने के लिए कहता है। डायना झाड़ियों में छुपकर एक ही दिशा में अलग अलग पेड़ों, झाड़ियों और चट्टानों के पास पत्थर लकड़ी फेंक कर उन दोनों को गुमराह करते हुए मुर्दों की सेना से दूर भेजते जा रही थी। देखते ही देखते कछुआ और कायर डायना के तय किए हुए जगह के पास पहुंचने लग जाते हैं। डायना बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु से कहती है, अभी प्लान का आधा हिस्सा मैंने पूरा कर दिया, अब आधा हिस्सा पूरा करने की बारी तुम्हारी है। अभिमन्यु डायना को देखते हुए कहता है, डायना तुम सच में वो सब करना चाहती हो? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ भी, मैंने कहा ना मैं आगाज कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी, पहले एक पकड़ना है फिर दूसरे को। अभिमन्यु को डायना की आंखों में आक्रोश नजर आ रहा था, एक ऐसा आक्रोश कि उसने उसे भी डायना की बात मानने के लिए मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु डायना की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है डायना, अगर तुम यही करना चाहती हो तो फिर यही सही, प्लान का दूसरा भाग शुरू करते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम उधर से आना, और जैसे ही मैं कछुआ को पकड़ लूंगा तुम अपना काम कर देना। इतना कहकर अभिमन्यु बड़े ही आहिस्ते से झाड़ियों के पीछे से बाएं साइड से निकलने लग जाता है। काला पोशाक पहने होने के कारण उसे कोई देख ही नहीं पाता है। वो बड़ी आसानी से वहां से निकलकर आगे बढ़ने लग जाता है। मौका देखकर डायना भी झाड़ियों के पीछे से निकलती है और वो दाएं साइड से छुपते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। उधर अभिमन्यु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कछुआ के करीब पहुंच जाता है। इधर डायना भी कायर के करीब पेड़ों के पीछे जाकर छुप जाती है और साथ ही अभिमन्यु पर भी अपनी नजरें जमाए रखती है। जैसे ही अभिमन्यु डायना को देखकर इशारा करता है, डायना समझ जाती है कि अभिमन्यु कछुआ को दबोचने को तैयार हो गया था। डायना उसी वक्त पेड़ के पीछे से जरा सी बाहर आकर कायर को अपनी एक झलक दिखला देती है। उस हलचल को सुनकर कायर उन झाड़ियों की तरफ आने लग जाता है जिस तरफ डायना छुपी हुई थी। अभिमन्यु उसी वक्त कछुए पर झपट्टा मारता है और उसका मुंह जोर से दबाकर बंद कर देता है और उसे उठाते घसीटते उस जगह से दूर ले जाने लग जाता है। कछुआ छटपटाता है, हाथ पैर मारता है, पर अभिमन्यु के आगे उसकी एक नहीं चलती है। वो चीख कर कायर और अपने बाकी साथी को भी बुलाने की कोशिश करता है, पर उसकी जरा सी भी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अभिमन्यु कछुए को उस जगह से कुछ दूर ले आता है। अभिमन्यु कछुआ को कसकर पकड़े हुए कहता है, कछुआ ये मैं हूँ, अभिमन्यु, तूने मुझे पहचाना? कछुआ गुस्से के साथ अभिमन्यु को घूरते रहता है। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा कछुआ, मैं तो तुझे बचाने के लिए आया हूँ। कछुआ चिल्लाने की कोशिश करता है और फिर झटका मारता है और अपने सिर से अभिमन्यु के सिर पर मारने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन अभिमन्यु उसके इस वार से भी अपने आप को बचा लेता है। कछुए को दबोचते हुए ही उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, सीधे खड़े रह कछुआ, ये क्या कर रहा है, क्यों इस काम को मुश्किल बना रहा है? मुझे पता है तू काले साये के वश में है, पर चिंता मत कर, हम तुझे उसके वश से छुड़ा लेंगे, तुझे कुछ नहीं होगा, बस तू हमारी मुश्किलें ना बढ़ाना। अभिमन्यु अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, ये डायना अभी तक आई क्यों नहीं, कहां रह गई ये?
अभिमन्यु अपने चारों तरफ डायना को ढूंढ ही रहा था कि तभी कछुआ झटका देकर अभिमन्यु को गिराने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त अभिमन्यु बहादुरी के साथ खुद को संभाल लेता है। अभिमन्यु कुछ घबराते हुए कहता है, डायना प्लीज जल्दी आ जाओ वरना हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इधर डायना अभी भी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। डायना की तरफ बढ़ते हुए ही कायर ने बड़ी सी लंबी मोटी लकड़ी अपने हाथ में उठा ली थी। डायना वहां से निकलना चाहती थी पर कायर के सामने खड़े होने के कारण वो वहां से निकल ही नहीं पा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कायर उसे देखे और पकड़ ले। कायर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, कौन है वहां, सामने आओ। डायना खामोश ही छुपी रहती है, कोई हरकत ही नहीं करती है। कायर गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा तुम जो भी हो सामने आओ, अगर खुद से बाहर आए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस काल स्वामी के पास ले जाऊंगा, पर अगर मैंने पकड़कर बाहर निकाला तो फिर ये तुम्हारे लिए दर्दनाक मौत होगी, मैं तुम्हें मार दूंगा, काल स्वामी के सामने पेश नहीं करूंगा। डायना अभी भी खामोशी रहती है, वहां सन्नाटा पसरा रहता है। डायना जब चालाकी से पेड़ के पीछे से चुपके से झांकती है तो कायर के हाथ में मोटी लंबी लकड़ी देखकर घबरा जाती है, उसके अंदर का डर बढ़ने लग जाता है। डायना मन में सोचती है, ये कायर तो कुछ ज्यादा ही जल्दी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, अब मैं यहाँ से निकलकर अभी के पास कैसे जाऊँ, मुझे जल्द से जल्द अभी के पास जाना होगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, अब बस मुझे मेरा आखिरी काम करना है। डायना एक नजर कायर को देखती है और फिर सोचती है, क्या करूं, कैसे इसे चकमा दूं, मैंने तो सोचा था कि ये मुझे देखकर आएगा, तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर मैं इसके आने से पहले निकल जाऊंगी, पर ये कायर तो जल्दी यहाँ आ गया, ऊपर से यहीं चारों ओर घूम रहा है, मैं क्या करूं। डायना के मन में एक तरकीब आती है और वो मन में सोचने लग जाती है, एक काम करती हूँ, उल्टे डायरेक्शन में जाती हूँ और आगे जाकर कायर की नजर से बचकर अभी के पास चली जाऊंगी। डायना वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। डायना फिर एक पत्थर उठाती है और दूसरी तरफ फेंक देती है। जैसे ही कायर उस तरफ देखता है वो पेड़ के पीछे से बाहर निकलती है और भागने लग जाती है, पर इस बार कायर डायना को भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। डायना आगे आगे भाग रही थी तो कायर उससे कुछ दूरी पर पीछे पीछे भागते हुए आ रहा था। तभी डायना झाड़ियों और पेड़ों की घनी झुरमुट को देखकर उस ओर मुड़ जाती है और उनमें छुप जाती है। कायर डायना को मुड़ते हुए और छुपते हुए नहीं देख पाता है, इसलिए वो थोड़ा आगे निकल जाता है। डायना कायर को आगे जाते देख झाड़ियों से निकलती है और अभिमन्यु जिस ओर था उस ओर भागते हुए जाने लगती है। कायर को दूसरी तरफ उलझाने के बाद डायना अभिमन्यु और कछुआ के पास पहुंच जाती है। भागते भागते डायना की सांसें फूलने लग गई थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था, वो पसीने से तरबतर हो गई थी। जब डायना वहां पहुंचती है तो देखती है कि अभिमन्यु ने अपने एक हाथ से कछुए का मुंह बंद कर रखा है और दूसरे हाथ से कछुआ के शरीर को कस कर जकड़ कर रखा हुआ है। अभिमन्यु घबराते हुए डायना से पूछता है, डायना तुम ठीक तो हो ना। डायना हांफते हुए कहती है, हाँ अभी मैं ठीक हूँ। अभिमन्यु तुरंत पूछ पड़ता है, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई डायना, कहाँ रह गई थी तुम, तुम्हें पता है मुझे कछुए को इतनी देर दबोचने में कितनी परेशानी हो रही थी। डायना अपनी सांसों को काबू में लाते हुए कहती है, अभी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी पर इस वक्त नहीं, बाद में। इस वक्त कछुआ को काले साए के वश से आजाद करना सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, कायर कभी भी यहाँ पहुंच सकता है और अगर वो वक्त से पहले यहाँ पहुंच गया तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। अभिमन्यु कहता है, ठीक है डायना तुम अपना काम शुरू करो। डायना कछुआ के पास आती है और उसे ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखने लग जाती है। डायना अपने सिर से एक लंबा बाल तोड़ती है, फिर उस बाल को अपनी मुट्ठी में बंद कर अपनी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लग जाती है। डायना के होंठ लगातार हिल रहे थे। जब डायना मंत्र पढ़ लेती है तो अपनी मुट्ठी को खोलकर उसमें रखे बाल पर फूंक मारती है और फिर आंखें खोल अभिमन्यु को इशारे से कछुए का एक हाथ आगे करने को कहती है। अभिमन्यु डायना का इशारा समझ जाता है और वो कछुआ का एक हाथ आगे करने लग जाता है, पर कछुआ कोशिश करता है कि अभिमन्यु उसका दोनों हाथ छोड़ दे। अभिमन्यु उसकी ये कोशिश बेकार कर देता है और उसका एक हाथ डायना के सामने कर देता है। कछुआ समझ गया था कि अभिमन्यु ने उसका शरीर पूरी तरह दबोच रखा है, इसलिए आखिरी में थक कर वो खुद अपना शरीर ढीला छोड़ देता है। डायना कछुआ के उस हाथ में मंत्र फूका हुआ बाल लपेटने लगती है जिसे अभिमन्यु ने उसके सामने किया था। डायना बाल को लपेटते हुए ही मंत्र बड़बड़ाती रहती है। तीन बार बाल लपेटने के बाद डायना बाल को उसके हाथ में गांठ लगाकर बांध देती है। जैसे ही डायना ये काम पूरा करती है अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, डायना तुमने अपना काम पूरा कर दिया, क्या कछुआ काले साए के वश से आजाद हो गया। डायना कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ अभी मैंने अपना काम तो कर दिया पर। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, पर क्या डायना।
डायना धीरे धीरे कहती है, पर कछुआ ने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा मैंने सोचा था। इसकी आंखों में देखो, ये अभी भी हमें गुस्से से घूर रहा है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि ये काले साए के वश से आजाद हुआ है या नहीं। डायना अभिमन्यु से बात ही कर रही थी कि तभी मौके का फायदा उठाते हुए कछुआ फुर्ती के साथ अभिमन्यु को दूसरी तरफ धक्का देते हुए खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लेता है। कछुआ अभिमन्यु से दूर होकर तेज आवाज में कहता है, वशीकरण तो तब तोड़ोगे ना तुम दोनों जब मैं काल स्वामी के वश में होऊंगा। मैं काल स्वामी के वश में नहीं हूँ, उनकी सेवा में हूँ मैं। डायना और अभिमन्यु ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि डायना की मंत्रों की शक्ति ने अपना काम नहीं किया। डायना घबराते हुए कहती है, ये क्या, मेरे मंत्रों की शक्ति ने काम क्यों नहीं किया? अभिमन्यु डायना पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना डायना, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तुमने अपने मन की चलाकर हमें मुसीबत में डाल दिया। कछुआ हंसते हुए कहता है, तुम दोनों ने यहाँ आकर गलती कर दी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक शख्स की शक्ति उनका साथ देती है, और वो शख्स और कोई नहीं, हमारे काल स्वामी है। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये उनकी बनाई जगह है, यहाँ पर उनका राज है, और एक बार उनका मकसद पूरा हो जाए फिर पूरे ब्रह्मांड में उनका राज होगा। अभिमन्यु कछुए को एकटक देखते हुए कहता है, तेरा मतलब कालगढ़? कछुआ अभिमन्यु से कहता कुछ नहीं है, बस हंसने लग जाता है। डायना घबराते हुए अभिमन्यु से कहती है, अब हम क्या करें, अभी हम तो मुसीबत में पड़ गए। अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, मैंने तो पहले ही तुम्हें ये सब करने के लिए मना किया था डायना, पर तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। डायना कुछ कहती है उससे पहले ही कछुआ आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर कछुआ डायना के ऊपर हमला करने लग जाता है, पर उसी वक्त अभिमन्यु बीच में आ जाता है और कछुए को धक्का देकर एक साइड कर देता है। कछुआ खुद को संभालते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर मुक्के मारने लग जाता है। अभिमन्यु उसके मुक्कों से खुद को बचाते हुए कछुए को एक बार फिर अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है और कछुए को कुछ भी करने से रोक देता है। अभिमन्यु ने कछुए को अभी जकड़ कर रखा ही था कि तभी वो देखता है कि डायना, जो कि उसके सामने खड़ी हुई थी, उसके ठीक पीछे एक शख्स ने अपने दोनों हाथों से डंडा हवा में उठा रखा था और वो डायना पर हमला करने वाला था। अंधेरे में खड़े होने के कारण अभिमन्यु को उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर अभिमन्यु घबरा जाता है और कछुए को साइड में धक्का देकर डायना के पास पहुंच जाता है। वो शख्स जिसने डंडा पकड़ा था वो डायना पर वार करता, उसके पहले ही अभिमन्यु डायना को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी पीठ उस शख्स की ओर कर देता है, जिस कारण डंडा सीधे अभिमन्यु को लगता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अभिमन्यु की आंखें बंद हो जाती हैं। डायना घबराते हुए कसकर चीख पड़ती है, अभी! वो शख्स जिसने डंडा मारा था वो कसकर हंसने लग जाता है। उस शख्स की हंसी सुनकर डायना उसकी तरफ देखने लग जाती है। जब डायना की नजरें उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो देखती है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कायर था। कायर ने ही अभिमन्यु के सिर पर डंडा मारा था। कायर ने अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा पकड़कर रखा हुआ था और वो कस कस कर हंसे जा रहा था। कायर शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ डायना से कहता है, इसका काम तो तमाम हो गया, अब तेरी बारी है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तेरा काम भी तमाम कर दूंगा। अभिमन्यु की ऐसी हालत देखकर डायना बहुत घबराई हुई थी, पर उसकी आंखों में कायर के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कायर को जान से मार देगी। डायना गुस्से से कायर को एकटक घूरने लग जाती है। कायर उसी वक्त डंडा हवा में उठाता है और बिना कुछ सोचे समझे अगले ही पल डायना पर वार करने लग जाता है, पर डंडा डायना के सिर पर पड़ता उससे पहले ही डायना अपनी जगह से साइड हट जाती है और फुर्ती के साथ कायर का हाथ पकड़कर तेज झटके के साथ अपनी तरफ खींचती है, जिस कारण कायर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। उसी वक्त डायना अपना पैर कायर के घुटनों पर दे मारती है, जिससे कायर लड़खड़ाते हुए कुछ दूर जहां पर कछुआ खड़ा हुआ था उसके ऊपर जा गिरता है। कायर के वहां पर एकदम से आने से कछुआ भी अपना बैलेंस संभाल नहीं पाता है और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। डायना उन दोनों को वहीं पर छोड़ती है और तुरंत अभिमन्यु की तरफ भागती है, क्योंकि उसे बदला लेने से ज्यादा अभिमन्यु की फिक्र थी। उसे डर था कि कहीं अभिमन्यु को कुछ हो ना गया हो। डायना अभिमन्यु को होश में लाने की कोशिश करती है, अभी अभी उठो अभी। जब डायना अभिमन्यु का सिर अपनी गोद में रखकर रोती है तो देखती है कि अभिमन्यु के सिर से खून नहीं निकल रहा था और सांसें भी लगभग नॉर्मल चल रही थी। डायना अभिमन्यु को लगातार हिलाते रहती है और उसे पुकारते हुए होश में लाने की कोशिश करने लग जाती है। डायना रोते हुए फिर अभिमन्यु से बोल पड़ती है, उठो अभी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी, उठो होश में आओ, देखो तुम्हारी डायना तुम्हें पुकार रही है, होश में आओ अभी।
कायर ने डंडा अभिमन्यु के पीठ पर लगभग गर्दन के पास मारा था, जिस वजह से अभिमन्यु बेहोश हो गया था। डायना रोते हुए फिर अभिमन्यु से बोल पड़ती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें उठना होगा, अभी उठो, तुम्हें मेरे लिए उठना होगा। डायना की ये बात अभिमन्यु के कान में गूंजने लग जाती है और देखते ही देखते अभिमन्यु के शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं और अगले ही पल वो धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है। अभिमन्यु को होश में आता देख डायना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अभिमन्यु के उठकर बैठते ही डायना खुशी से अभिमन्यु को अपने गले से लगा लेती है। डायना रोते हुए ही अभिमन्यु से कहती है, अभी अभी तुम ठीक हो। इतना कहकर डायना अभिमन्यु के चेहरे को देखने लग जाती है। अभिमन्यु अपने हाथ से अपनी गर्दन छूते हुए हल्के से दर्द के साथ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ डायना। अगले ही पल अभिमन्यु की नजर कायर कछुए पर पड़ती है जो अपनी जगह से उठने लगे थे। कायर को देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि उसके सिर पर जिसने वार किया था वो कोई और नहीं बल्कि कायर ही था। कायर और कछुआ गुस्से के साथ अभिमन्यु और डायना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। कायर गुस्से के साथ अभिमन्यु और डायना को देखते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ तक आ गए, ये तुम लोगों की ग्रेवयार्ड कोठी नहीं है जो तुम्हारी चलेगी, ये काल स्वामी का कालगढ़ है, यहाँ पर उनकी और उनके सेवकों की चलेगी। तुम लोगों ने काल स्वामी की गैर हाजिरी में यहाँ पर घुसपैठ की है, अब तुम दोनों को इसकी बराबर सजा मिलेगी। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए बोल पड़ता है, हाँ सजा तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी, अभी हम सजा देंगे और जब काल स्वामी अपना काम खत्म कर यहाँ आ जाएंगे तब वो सजा देंगे। डायना एक बार फिर कछुआ और कायर को समझाते हुए कहती है, कायर कछुआ ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम हमें पहचान नहीं पा रहे हो। कछुआ हंसते हुए कहता है, पहचान पा रहा हूँ मैं तुम दोनों को, अच्छे से पहचान पा रहा हूँ, एक डायन है और एक धोखेबाज दोस्त, और ये डायना इस धोखेबाज दोस्त से प्यार करती है। कछुए की बात सुनकर कायर भी हंसने लग जाता है। डायना कछुए की बात पर ध्यान ना देते हुए फिर उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर हमें पहचानते हो तो फिर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो तुम दोनों, क्यों उस काले साए का साथ दे रहे हो, उसका साथ छोड़ दो। कछुआ गुस्से के साथ डायना से कहता है, हम हमारे काल स्वामी के वफादार हैं, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। डायना के कुछ कहने से पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, कायर कछुआ होश में आओ दोस्तों, वो कोई तुम्हारा स्वामी नहीं है, उसने तुम्हें अपने वश में कर रखा है, अपने काले जादू के वश में। कायर अभिमन्यु की बात पर हंसी उड़ाते हुए कहता है, हम किसी के वश में नहीं है, बल्कि हम तो अपने काल स्वामी की शरण में है, और तू हमें दोस्त कहता है, दोस्त नहीं दुश्मन हो तुम लोग हमारे, हमारे काल स्वामी ने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। अभिमन्यु कायर के लहजे से ही समझ जाता है कि कायर और कछुआ के लिए डायना और वो दुश्मन है, और ये बात उनसे काले साए ने कही है, उसने इन दोनों का ब्रेन वॉश करके रखा है। डायना भी ये बात समझ गई थी, पर तब भी कायर और कछुआ को समझाने की कोशिश करते हुए बोल पड़ती है, कायर कछुआ तुम दोनों अभी उस काले साए के वश में हो, इसलिए हमें अपना दुश्मन समझ रहे हो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तब तुम हमें पहचान पाओगे। कछुआ फिर बोल पड़ता है, साथ तो तुम हम दोनों के चलोगे, वो भी हमारे काल स्वामी के पास, बातें बहुत हुई, अब वक्त है तुम्हें घुसपैठ की सजा देने का। अगले ही पल कछुआ डायना पर और कायर अभिमन्यु पर झपट्टा मार देते हैं। अभिमन्यु तुरंत ही डायना को पकड़ता है और उसे लेकर झट से उनके वार से दूर पीछे हट जाता है। कायर और कछुआ एक घेरा बनाकर अभिमन्यु और डायना के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कहता है, डायना इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुमने देखा ना, काले साए ने इन दोनों का ही ब्रेन वॉश करके रखा है, उसने हमें इनके लिए दुश्मन बता रखा है। डायना अभिमन्यु से पूछती है, अब हम क्या करें, अभी मेरा तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं चल रहा है, मैंने वशीकरण तोड़ने का सोचा था पर उसमें मैं नाकामयाब रही, मेरे मंत्रों की शक्ति काम ही नहीं की। अभिमन्यु डायना से कहता है, अब एक ही रास्ता बचा है डायना, हमें इनसे लड़ना होगा। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा अभी लड़ना होगा। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, अब हमें अपनी जान बचाने के लिए इनसे लड़ना होगा, वरना ये हमें नहीं छोड़ने वाले, अब तक हम इनसे बचने की कोशिश कर रहे थे पर अब हम इनसे बचेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। अभिमन्यु के ये बात कहते ही डायना के अंदर भी जुनून पैदा हो जाता है, वो खुद अभिमन्यु का हाथ छोड़ देती है जो उसने इतनी देर से पकड़ कर रखा हुआ था। डायना और अभिमन्यु गुस्से के साथ कायर कछुए को घूरने लग जाते हैं और अगले ही पल डायना कछुए पर टूट पड़ती है तो अभिमन्यु कायर पर टूट पड़ता है। चारों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, कभी कछुआ डायना पर हावी हो रहा था तो कभी डायना कछुए पर।
वैसा ही अभिमन्यु और कायर के साथ भी हो रहा था, पर कायर था कि अभिमन्यु पर डंडे से वार कर रहा था, जिस कारण कायर से लड़ते हुए अभिमन्यु को ज्यादा चोट आ रही थी। कछुआ भी डायना पर बिल्कुल रहम नहीं कर रहा था, लगातार उसके पेट पर मुक्के मारे जा रहा था। डायना दर्द से कराहने लग गई थी। डायना कछुए के मुक्के के वार को सही रही थी कि तभी डायना की नजर उसकी लंबी सी चोटी पर पड़ती है। उसी वक्त डायना अपनी चोटी को अपने एक हाथ से पकड़ती है और नीचे झुकते हुए कछुए के पीछे चली जाती है और अपनी चोटी को आगे करके फुर्ती के साथ कछुए की गर्दन पर दो बार लपेट देती है। डायना कसकर अपनी चोटी खींचने लग जाती है। डायना की चोटी में कछुए की गर्दन बुरी तरह जकड़ गई थी, जिस कारण वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। कछुआ लगातार छटपटाते हुए डायना की चोटी से आजाद होने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। कछुआ डायना को पीछे की तरफ धक्का भी देता है, पर उसका भी कोई असर नहीं होता है, बल्कि डायना अपनी चोटी की पकड़ और मजबूत कर लेती है, इतनी तेज कि कछुए के गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। डायना कछुए का गला दबाते हुए कहती है, मुझे माफ करना कछुआ, मैं ये करना तो नहीं चाहती, पर तुमने मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। इतना कहकर डायना और कसकर कछुए का गला दबाने लग जाती है। कछुए को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है, धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही कछुआ जमीन पर गिरता है, पहले तो डायना घबरा जाती है, ये सोचकर कि कहीं उसने कछुए को मार तो नहीं दिया। पर जब वो उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज को चलता हुआ पाती है, तो उसकी जान में जान आने लग जाती है। अगले पल डायना का ध्यान अभिमन्यु और कायर पर जाता है और वो देखती है कि कायर अभी भी अभिमन्यु के बदन पर डंडे से वार करे जा रहा था और अभिमन्यु था कि उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, पर तब भी नहीं बच पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु अभी भी कायर पर वार नहीं करना चाहता हो। उसने डायना से बोल तो दिया हो कि वो लड़े, पर खुद अपने दोस्त पर वार करने से घबरा रहा था। डायना उसी वक्त अभिमन्यु के पास जाती है और पीछे से ही वापस से अपनी चोटी कायर की गर्दन पर भी दो बार लपेट देती है। डायना कसकर अपनी चोटी खींचने लग जाती है, जिस कारण कायर का दम घुटने लग जाता है। अभिमन्यु कायर की फिक्र करते हुए घबराहट के साथ कहता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना, ऐसे तो ये मर जाएगा। डायना कायर की गर्दन दबाते हुए ही कहती है, नहीं अभी ये मरेगा नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। अभिमन्यु मूर्ति बनकर ही खड़े रहता है, कुछ नहीं कहता है। डायना कायर की गर्दन अपनी चोटी खींच कर दबाते रहती है और देखते ही देखते कायर भी उसी तरह बेहोश हो जाता है जिस तरह कछुआ हुआ था। कायर भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। कायर के जमीन पर गिरते ही अभिमन्यु कायर का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करने लग जाता है। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहती है, जिंदा है ना। अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिला देता है। डायना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरे भी दोस्त हैं, अभी मैं इन्हें कैसे मार सकती हूँ। अभिमन्यु वापस से खड़ा होता है और भावुक होते हुए डायना को गले लगाते हुए कहता है, तुम कमाल हो डायना, तुम्हारी चोटी का कोई जवाब नहीं। डायना कहती है, अभी ये डायन की चोटी है, कोई मामूली नहीं, मेरी शक्तियां यहाँ काम नहीं कर रही तो क्या हुआ, मेरी चोटी भी मेरी ताकत ही है, मेरी साथी है जो हर कदम पर मेरा साथ देती है। अभिमन्यु चुप ही खड़ा रहता है। डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, अभी जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना चलो। अभिमन्यु कायर और कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं तुम दोनों को यहाँ पर इस हाल में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, पर मैं जल्दी तुम दोनों को बचाने के लिए वापस आऊंगा। डायना भी मायूसी के साथ कहती है, मैं भी जरूर आऊंगी। इतना कहकर डायना अपना कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। अभिमन्यु हाँ में अपना सिर तो हिलाता है, पर आगे कदम नहीं उठाता है। डायना को जब इस बात का एहसास होता है और वो अभिमन्यु की तरफ अपनी नजरें करती है, तो अभिमन्यु की निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। डायना तुरंत अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, इस तरह क्या ढूंढ रहे हो अभी। अभिमन्यु डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, कोई रस्सी ढूंढ रहा हूँ डायना। डायना हैरानी के साथ पूछती है, रस्सी ढूंढ रहे हो, पर क्यों। अभिमन्यु जवाब देता है, इन दोनों को बांधने के लिए। डायना फिर पूछ पड़ती है, तुम इन दोनों को बांधना चाहते हो, पर क्यों अभी। अभिमन्यु पलट कर कहता है, वो इसलिए डायना, हम आगे बढ़े और अगर इन्हें जल्दी होश आ गया तो ये दोनों फिर से हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे और मैं फिर से एक बार अपने दोस्तों को मारकर बेहोश नहीं करना चाहता। इस बार तो तुमने नजाकत के साथ अपनी चोटी के दम पर बेहोश कर दिया, पर अगली बार नहीं कर पाई तो। डायना कहती है, ठीक है अभी, पर बांधोगे किससे। अभिमन्यु कहता है, कुछ भी चलेगा डायना, कोई लंबी लता, जड़, कुछ भी, तुम्हारी चोटी भी चल सकती है।
अभिमन्यु की ये बात कहते ही डायना अभिमन्यु को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है, पर वो जानती थी कि अभिमन्यु मजाक कर रहा था, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देती है और उसकी मदद करने लग जाती है। अभिमन्यु और डायना वहां पर रस्सी जैसी कोई चीज ढूंढने लग जाते हैं, पर जब काफी देर तक कुछ नहीं मिलता है तो डायना अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है, चलो अभी रस्सी ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो, वरना हम यहाँ से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इन्हें होश आ जाएगा, इसलिए अब जल्दी चलो। अभिमन्यु को डायना की बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए बिना देरी करे वो उसके साथ वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। कुछ घंटे बाद लालखाल जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए डायना और अभिमन्यु भागे जा रहे थे। दोनों पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गए थे। दोनों के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, पर दोनों ही रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, लगातार भागे जा रहे थे। डायना भागते हुए ही अभिमन्यु से कहती है, अभी अब मुझसे और नहीं भागा जा रहा। अभिमन्यु भागते हुए ही डायना से कहता है, हमें भागना ही होगा डायना, अगर हम उन दोनों के हाथ लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तक तो उन्हें होश आ गया होगा और उन्होंने हमारी तहकीकात शुरू भी कर दी होगी। मुझे तो अभी से किसी और के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। डायना भागते हुए कहती है, आहट तो मुझे भी सुनाई दे रही है। अभिमन्यु भागते हुए कहता है, तो रुको मत डायना, भागती रहो। इतना कहकर अभिमन्यु डायना का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देते हुए भागने लग जाता है। देखते ही देखते दोनों लालखाल जंगल के अंतिम छोर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें औषधीय पहाड़ी नजर आने लग जाती है। वो दोनों वहां पर पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें वहां पर एक कंकाल नजर आता है। वो कंकाल जो किसी और का नहीं बल्कि पलक का था। पलक के कंकाल पर नजर पड़ते ही अभिमन्यु और डायना अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।